दिनों से मेरे पास ड्राइंग सीखने के लिए बहुत सारे इंक्वायरीज आ रहे हैं। और देखिए, कला के क्षेत्र में सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं आप सभी के सुझाव में अपना एक ड्राइंग ट्यूटोरियल क्लास मैं अब शुरू कर रही हूँ। इसमें मैं शुरुआत से बिल्कुल बिगनिंग यानी पेंसिल पकड़ने का सही तरीका से लेके एडवांस लेवल तक, यानी कि पेंसिल स्केच, शेडो वर्क, स्टिल लाइफ, रियलिस्टिक आर्ट, देन चारकोल ड्राइंग, वाटर कलर, एक्रेलिक, ऑयल पेंट, पेस्टल, सब कुछ मैं सिखाऊंगी। सीरीज में डे वाइज में सिखाऊंगी। क्यों हैरान हो गए ना? अब आपके ड्रीम हकीकत में बदलने वाला है। आप भी आर्टिस्ट बन सकते हैं, या आपके कोई फ्रेंड या आपके परिवार के कोई। इसके लिए आपको बाहर नहीं, आप दुनिया के कहीं पर भी रहे, अपने घर पे बैठ के अपना फुर्सत से आप भी फाइन आर्ट सीख सकते हैं। आपको इसके लिए कोई फीस नहीं है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करनी है और बेल आइकन का जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाए। और शेयरिंग जरूर कीजिए ताकि और भी लोगों को हेल्प मिल जाए। हो सकता है कि इन्हीं में से कोई छुपा हुआ टैलेंट भी हो। देखिए, पेंसिल आप कैसे पकड़ेंगे? ये देखिए पेंसिल हुआ, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जहाँ से आपको लीड निकल रही है, यहाँ से टू फिंगर्स छोड़ के यहाँ पर आपको पकड़ना बिल्कुल लूज हाथ से। देखिए मैं कैसे करके पकड़ रही हूँ, बिल्कुल लूज हाथ से आपको करनी है। और यहाँ पर ऐसे करके आप स्ट्रोक कीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए हमें पेपर, प्लेन पेपर, ऐसे कोई भी पेंसिल, मैंने HB पेंसिल ली थी, इरेजर चाहिए और ना स्केल ना दूसरा कुछ। और देखिए ऐसे स्ट्रेट हम लाइन हम लोग एक साइड से दूसरे साइड में खींच रहे, फिर सीधा, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन, एक एक साइड में 100 times आपको करना है। अब हम ऊपर से नीचे कर रहे, 100 times खींचनी है, सीधा आप खींचते रहिए। अब नीचे से ऊपर खींचते रहिए और फिर स्लैंटिंग में इधर से उधर और फिर ऊपर से फिर नीचे और फिर इस साइड से भी, एक बार लेफ्ट साइड से ऊपर, एक बार राइट साइड से ऊपर, दोनों साइड से। ये देखिए अब नीचे से ऊपर पे मैं कर रही हूँ और कोई स्केल नहीं, कुछ डॉट 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 देखे नहीं, सीधा आप फ्री। कई बार सर्कल में भी ऐसे डॉट डॉट करके और थोड़ा सा ऐसे लाइन खींच के, ये दोनों तरीका गलत है। आप ऐसे सीधा खींचिए, सीधा सीधा गोल 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 घुमाते रहिए, छोटा बड़ा और करते रहिए। अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा तो शुरुआत में आप कोई ऐसा ढक्कन या कोई चीज़ का लेके आप ऐसा करके उसके ऊपर में आप पेंसिल चलाइए। ऐसे धीरे धीरे आप पेंसिल चला के और फिर आप उसमें स्पीड लाइए और करते रहिए। ये भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से कीजिए। फिर आप ऐसे ओवल शेप का भी कीजिए, ओवल शेप, ये देखिए ऐसा ओवल शेप का भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से कीजिए, ऊपर नीचे स्लैंटिंग जैसा हो सकते हैं आप करते रहिए। ये सारे ड्राइंग की बेसिक चीज़ें हैं। आप कोई भी पेंटिंग कीजिए, ये बेसिक चीज़ें आएगा ही आएगा। इवन कई बड़े आर्टिस्ट पेंटिंग करने से पहले इन बेसिक चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। इससे आपके हाथों में, आपके फिंगर्स, हाथ, शोल्डर, यहाँ पर फ्री फ्लो आते रहेगा और बहुत जल्दी आ जाएगा। शुरू में गलती तो होगी पर रुकना नहीं है, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और प्रैक्टिस के साथ ऑब्जर्वेशन भी ज़रूरी है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो फिर आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक यू।